रसायन की सब। ये देखो जी, ये गंधक के तेल में की बार संग्रह पकाया हूँ। 24 घंटे तो हो गए पकते हुए। ये देखो, ये देखो डली वाली संग्रह इसी में ही पक रही है। जो रूमी सिंगरप आती है ना बाजार में, जिसमें पारा ज़्यादा होता है, लोग कहते हैं कि ये हाथ लगाते टूटती है, वो रूमी सिंगरप नहीं है। उससे बढ़िया तो वो टाइट वाली सिंगरप आती है ना, वो सस्ती वाली वो है। बाकी खुद की बना ले तो सिंगरप फिर कहना ही क्या। अब ये गंधक के तेल के अंदर इसको पकाया जा रहा है, और ये बहुत हल्की आग में, आग दिखाऊं कितनी, ये देखो इतनी हल्की आग। अब ये 24 घंटे आग हल्की आग में पक गया। अब 24 घंटे बाद इसकी आग बढ़ा दी जाएगी, और ये सोना चांदी डायमंड की भस्में होती है ना, उनको टक्कर देने वाली भस्म बनेगी। तो ये बना रहे दोस्तों, ये टाइमिंग भी बढ़ाती है और लिंग में तनाव भी लाती है। और जिनका जिन जो छुट्टी हुए बंदे होते हैं ना, वह बिल्कुल किसी दवा से काम नहीं कर रहे, उनके लिए बहुत लाजवाब चीज़ है ये। गंधक का तेल बनाओ भाई। जो रसायनों पर काम करते हैं ना, उस्तादों के हाथों से निकले होते हैं, वो सब कुछ कर रहे थे, उनके तो हाथ भी सेट रहते हैं। बाकी आजकल पछड़ने का कारण यही तो हो गया ना, मान लो तजुर्बा नहीं है, उस्ताद के नीचे कोई रहना चाहता नहीं है, उस्ताद की चोट खाना नहीं चाहता, उस्ताद की फटकार खाना नहीं चाहता है, सब किताबों के दम पर करना चाहते हैं। जब तक किसी उस्ताद के साथ नहीं रहेगा कोई भी, तो न तो उसको जड़ी बूटी की ढंग से पहचान होगी। किताब है, मान लो ज्ञान हासिल होगा, उसमें ऐसी बात नहीं है, पर जो जाकर घूमेगा डोलेगा, उस्ताद दिखाएगा कि ये बूटी ऐसी है, ये पहचान है, तो बहुत। आज तो जो मान लो जमाना ये हो गया कि फोटो व्हाट्सएप का जमाना है, पर फिर भी बंदे पूछ पकड़ नहीं पाते कि फलानी जड़ी बूटी कौन सी कैसी है। जबकि उस्ताद लोग तो सिर्फ यही बता देते कि इसका इतना लंबा डंडा होगा, ऐसा पत्ता होगा, तुरंत पकड़ लेते। ये चीज़ की गहराई मेन चीज़ है। अब उस्ताद की कोई गुरु की फटकार खाना नहीं चाहता है, सबको घर बैठे चीज़ चाहिए। यही आयुर्वेद का समझ लो, इसी कारण से बेड़ा गर्क हो रहा है। अब आज सर्दी जुकाम बुखार, इनमें तो कौन जाता है वेद हकीम के पास? जाएगा तो उनको पता है, वो भी वही एलोपैथिक दवाइयाँ देंगे, क्योंकि बाहर के जो रसगुल्ला, बाहर के जो बस रस पट्टियाँ खुद बनाते नहीं है, तो रिजल्ट मिलता नहीं है। लोगों को तत्काल चाहिए। एलोपैथ में क्या होता है कि तत्काल रिजल्ट वाली चीज़ें हैं, हम ये तो चीज़ माननी पड़ेगी उनको। जैसे कई छोटे मोटे मर्ज होते हैं, जैसे बुखार वुखार, तो उसमें तत्काल कवर करने में वो चीज़ लाभदायक होती है, तभी तो आज उनका वर्चस्व ज़्यादा है। आयुर्वेद तो मेहनत के कारण नीचे हो गया। कई बार शरीर में ऐसी पीड़ा हो जाती है कि तो एलोपैथ में ऐसे पेन किलर है कि तुरंत बंदे को रिलीफ दिला सकते हैं। तो सभी पेतियाँ अपनी अपनी जगह पर महान है जी, बस उसका तरीके से अगर काम करे तो ऐसी बात नहीं है। तो ये गंधक के तेल में पकाई जा रही है जी सिंगरप, 24 घंटे तो पक गई। जब तक ये तेल पूरा इसमें हल नहीं होगा, जब तक इसको पकाऊंगा मैं, और इतनी ही होनी चाहिए आग की, तेज खाली एक धुआं से निकले, बस इसमें बुलबुले ना आए, ये इसकी प्रोसेसिंग होती है।